लोगों को साउंड्स और विजुअल्स के जरिए मैनिपुलेट करने को एडिटिंग कहते हैं। लेकिन सभी लोग एक जैसी एडिटिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई अलग तो करो यार, वही बोरिंग वीडियोस बार बार। मैं खुद AI का 30% यूज करता हूँ अपनी एडिटिंग में, और इस नए LF फीचर के बाद मैं अपने एडिटिंग टाइम को 60% तक रिड्यूस कर सकता हूँ, वो भी स्मार्टली कॉस्ट को मैनेज करके। कुछ भी कहो यार, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप AI टूल्स के इस्तेमाल से एडिट करना चाहते हो। तो एक तो मार्केट में आप जितने भी टॉप स्टैंडर्ड के AI टूल्स हैं, उनके जो फ्री ट्रायल के आउटपुट्स निकलते हैं वो बिल्कुल ही अनयूजेबल होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक चीज आप भी मानोगे। उसको यूजेबल बनाने के लिए मुझे अपनी पूरी इनकम का 45% तक AI टूल्स में उड़ाना पड़ता है, और मैं इन चार मेन AI टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, खास करके अपनी एडिटिंग में, और कोशिश करता हूँ कि उनकी कॉस्ट कुछ ऐसे मैनेज कर पाऊँ जो मेरी इनकम का 20% ही केवल ले और सेम मुझे वैसे ही रिजल्ट्स मिले। ये चार मेन टूल्स हैं, लूमा लैब्स, रनवे ML और मिड जर्नी। और ये जो पहला वाला टूल था वो अभी फ्री है, लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैं AI टूल्स का इस्तेमाल अपनी एडिटिंग के अंदर कैसे करता हूँ। दूसरा हम ये जानेंगे कि नए प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स क्या आई हैं जिससे मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल पाए कम क्रेडिट्स में, और इवन मैं VFX भी अच्छे से कर सकूं। और तीसरा मैं कॉस्ट को कैसे मैनेज करता हूँ जो मेरे बजट में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन तुम्हारी अभी ही दूर कर देता हूँ। तुमने सुना होगा कि YouTube की नई पॉलिसी आई है जिसमें AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। वैसे पॉलिसी में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो सकता है, रिपीटिशियस कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो सकता। अभी तक आप लो एफर्ट कंटेंट AI से बल्क में बना रहे थे कुछ ऐसे। अगर आप भी इस तरह की AI वॉइस बनाना चाहते हैं तो वो दिन चले गए। लेकिन आप AI का क्रिएटिवली कैसे यूज कर सकते हैं उस पे कोई पाबंदी नहीं है। YouTube सिर्फ चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म स्पैम बॉक्स ना बन जाए। लेकिन अगर आप AI टूल्स का क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं अपने सामने ऑडियंस को, तो वो वैलिड है। बाकी और जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। अब एक बात समझ लो कि मैं वीडियो एडिटिंग का कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ इस वीडियो में, AI का यूज कैसे एडिटिंग में किया जाए वो बताने वाला हूँ। तो तीन तरीकों से मैं अपनी एडिटिंग में AI का यूज करता हूँ। पहला, बी रोल एक्सप्लेनर्स। अब मेरे पास वो टैलेंट भी नहीं है और कैपेबिलिटीज भी नहीं है कि मैं मोशन डिजाइन बहुत तेजी से कर पाऊँ और बेहतर मोशन डिजाइन कर पाऊँ। लेकिन अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है और मुझे एडिटर का कॉस्ट भी बचाना है, लेकिन वो दिखना भी एकदम प्रोफेशनल चाहिए, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करना चाहिए लोगों को, वहां मैं AI का यूज करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, एक राजू नाम का लड़का, उसे एक चुल मची है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये अभी एक AI सीक्वेंस था, ना मैंने कोई कार्टूनिस्ट हायर किया है ना एडिटर हायर किया है, और ये सीन भी उसने खुद ही बनाए हैं। तो ऑब्वियसली बी रोल्स बनाने में तो AI मदद करेगा ही। अब दूसरा इस्तेमाल मैं करता हूँ क्योंकि मैं हर जगह नहीं हो सकता और मुझे जिस सीन की जरूरत होती है मैं वो सीन जनरेट कर लेता हूँ वीडियो में, और उसको सॉफ्टवेयर में ले जाके उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स लगा देता हूँ, टेक्स्ट लगा देता हूँ, जिससे वो बेहतर लगे। एग्जाम्पल तुमने अभी देख ही लिया होगा, अगर मुझे कोई फेशियल एक्सप्रेशन देने किसी सीन में तो वो मैं AI से जनरेट करता हूँ। वो भी खैर एक बी रोल का ही पार्ट हो गया, लेकिन मुझे लगा ये एक चीज बता देनी चाहिए। और तीसरा इस्तेमाल मैं करता हूँ बैकग्राउंड जनरेट करने में, या मोशन एलिमेंट्स को जनरेट करने में, मोशन एसेट्स को जनरेट करने में। अब जैसे मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ कि मुझे एक स्टील बॉक्स की फोटोग्राफ चाहिए और जिससे मुझे एनिमेशंस बनाने, अब स्टील बॉक्स तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो मैं AI से जनरेट कर लेता हूँ और फिर उसको सॉफ्टवेयर में ले जाके कुछ ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ। इवन तुम कहो तो इस स्टील बॉक्स का टेस्ला हेड बना दूं। टेस्ला अब भारत में भी। तो इन तीन एडिटिंग की चीजों में मैं AI का यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर 60-40 रूल का इस्तेमाल करना हद जरूरी है। 60% मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का ही इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई कट लगाना हो, ट्रांजिशन लगाना हो, फिल्टर लगाना हो, इफेक्ट लगाना हो, साउंड लगाना हो, तो वहां पर आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही काम आएगा। वो आप AI से ना ही करवाओ तो बेहतर है, खास करके तब जब आपका बजट टाइट हो। और 40% वहां पर मैं एक्सटर्नल AIs का यूज करता हूँ एडिट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कैसे मैं यूज करता हूँ। तो हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया कि मैं एडिटिंग में AI टूल्स का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। अब दूसरा सवाल, जो वो नए फीचर्स और प्रॉम्प्ट्स की टेक्निक्स आई हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करूँ। जैसे रनवे ML ने अपना LF फीचर अब इंट्रोड्यूस किया है, LF फीचर ने मुझे मेंटली मजबूर किया कि मैं इससे एडिट करूं। मैं एक ही कैरेक्टर के अलग कैमरा एंगल्स को चेंज कर सकता हूं, कैमरा एंगल्स नए बना सकता हूं,
एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता हूँ, VFX ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल लोकेशंस और वेदर को कंट्रोल कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ चीजों को, मोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ सेम कैरेक्टर के साथ, इवन लाइटिंग को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मेरी इक्विपमेंट्स की कॉस्ट यहाँ बच रही है एक प्रॉम्प्ट की लाइन से। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम रनवे की तरफ जाएंगे, जनरेट अ वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको LF फीचर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। या तो आप वीडियो यहाँ अपलोड कर सकते हैं जो आपको कन्वर्ट करवानी हो, या नई वीडियो बना भी सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने शूट की है, इसका अगर मुझे वेदर चेंज करना है तो बस मैं इसको अपलोड करूंगा वीडियो को और कह दूंगा वेदर चेंज कर दे, और वेदर चेंज हो गया। इवन एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ, जैसे अभी ये मेरा स्टूडियो लाइटिंग है, मैंने रिमोट पकड़ा हुआ है हाथ में, अब ये रिमोट को मैं गन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक बैटल फील्ड को दिखाने के लिए, तो रनवे कर दे भाई। सही 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 आया, हाँ बिल्कुल सही आया। इवन अगर मुझे स्टेडियम में क्राउड अपलोड करना है तो मैं क्राउड अपलोड कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में जाके घंटों लगाने पड़ते। बोलो इस तकिए में आग लगा दो, लगा दो इस बोतल को, वो बना दो, बना दो। यार मैंने तो सिर्फ आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं, इतनी चीजें हो सकती हैं इस LF फीचर से कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे इसको मैं अपने मेंबरशिप पेज में और अच्छे से समझाऊंगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। पैसा कौन? अबे 90 रुपए है बस। वैसे आप अब यही चीज लूमा लैब्स में भी कर सकते हैं। सीधा लूमा लैब्स की ऐप में जाओगे, इस बार पे आओगे तो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और मॉडिफाई में जो भी वीडियो आपको करनी है, उसका चेंज करना है एनवायरनमेंट या कुछ, तो उसे अपलोड कीजिए, बस इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए और एंटर कीजिए और आपका वीडियो तैयार। अब एक जादू दिखाऊं, अगर VFX आर्टिस्ट हो तो आंखें बंद कर लो, नहीं बंद कर लो नहीं देख पाओगे तो। ये सारी VFX एड शुरू से लेके अंत तक एक प्रॉम्प्ट में बनी हुई हैं। वैसे इस AI टूल का नाम है फ्लो, जो कि Google Labs का एक टेस्टिंग AI है, VO3 से पावर्ड किया जाता है इसे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे अभी कोई खर्चा नहीं देना पड़ा है इसको बनाने के लिए, इसने मुझे 1000 क्रेडिट फ्री में दिए हैं अभी। हाँ अगर वो कम भी पड़ जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा बाय कर सकता हूँ। ये फ्री तो है लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपके पास Google AI Pro का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो कि तकरीबन इतने का आता है। लेकिन Google ने हाल ही में ही अपनी स्कीम लॉन्च करी थी स्टूडेंट्स के लिए खासकर, जहां पर वो 1 साल का पूरा फ्री दे रहे हैं Google AI Pro। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी हो स्टूडेंट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। और मेरे पास एक आईडी है क्या? लेकिन जो वो स्टूडेंट आईडी वाली स्कीम है ना, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन चेक करने से पहले एक चीज समझ लो, इसमें एक नए प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज हुआ है जिसे बहुत वायरल भी किया जा रहा है, उसका नाम है जेसन प्रॉम्प्टिंग। जेसन प्रॉम्प्टिंग के नाम से समझ आ रहा है कि जेसन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें प्रॉम्प्ट्स को बनाना, और वो कुछ ऐसा दिखता है। नहीं भाई नए चक्कर आ रहे हैं क्या? कि साला 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखने में हमारी ऐसी तैसी हो जाती है और तू हमें जेसन लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। चिंता मत करो, इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस हैं जो आपको फ्री में ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो उनका काम मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी फ्री में दे देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन उसमें लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स हैं, 5 या 6 प्रॉम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम अपने यूज के हिसाब से कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे उसी स्ट्रक्चर में, और नए प्रॉम्प्ट्स फिर कैसे बनाएंगे? तो ये सिर्फ आलसियों के फरमाइश पे है, मैं सीधा जाऊंगा क्लॉड AI पे
और क्लॉड का सोनेट 4 फ्री है, जब तक तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है लेने की तो ले लो भाई। तो जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है उसे यहाँ पर पेस्ट करके उससे पहले लिख लेना कि एनालाइज दिस लिंक, तो आपके लिंक को वो समझेगा कि उसमें कैसे प्रॉम्प्ट डाले गए हैं। और उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट डालना है, नाउ विद द सेम फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर मेक अ जेसन प्रॉम्प्ट फॉर डैश जो भी आप कंपनी के बारे में बना रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सोनी के कैमरा को ले लेता हूँ, कंपनी वेयर सोनी ब्रांडिंग कन्वर्ट इनटू कैमरा पार्ट्स एंड अलाइन टू मेक कैमरा। और उस प्रॉम्प्ट देने के बाद वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके तो फ्लो के डैशबोर्ड पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हाँ VO3 क्वालिटी को हम सिलेक्ट करेंगे, अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करो और वीडियो तैयार। और ये बहुत काम की चीज है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्ट यूज केसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, वैसे बहुत अलग अलग चीजों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक क्रेडिट है। अब इन दो AI टूल्स के अलावा मैं मिड जर्नी का भी यूज करता हूँ इमेज जनरेट करने के लिए या कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करने के लिए, और उन इमेजेस को बाद में मोशन एसेट्स में कन्वर्ट करता हूँ। इवन आप अब मिड जर्नी की इमेजेस को एनिमेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे वो करना हो तो जो ये इमेज मैंने जनरेट की है अभी इसको मुझे मोशंस में लाना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एनिमेट का ऑप्शन नजर आएगा। मैनुअली भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी दे सकते हैं, और इसका मैं ज्यादातर इस्तेमाल अपनी शॉर्ट वीडियोज में करना पसंद करता हूँ, या मुझे कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इंटरेक्टिविटी बढ़ानी हो तो मैं यूज करता हूँ। एडिटिंग में शायद जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता किसी भी AI टूल से, तब मैं मिडजर्नी से वीडियो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वरना उसकी इमेज से मेरा काम हो जाता है। तो अब हिसाब किताब की बातें कर लेते हैं। तो मेरी AI एडिटिंग प्रोसेस के हिसाब से रनवे ML का इस्तेमाल मैं 50% तक कर लेता हूँ, मिडजर्नी वो 30% लेता है। फ्लो खैर मुझे अभी इतना ज्यादा यूज मैंने किया नहीं है, अभी तो मुझे पता चला है, लेकिन ये अच्छा टूल है, मैं इसका यूज जरूर करूंगा। तो 10% में अगर ये भी मान के चलूं, और लूमा लैब्स का भी मैं 10% इस्तेमाल करता हूं। तो ये मेरी एडिटिंग प्रोसेस के 4 इंपॉर्टेंट फास्ट बुलर्स आप मान सकते हो। तो अब तीसरा सवाल आता है, मैं कॉस्ट कैसे मैनेज करूं? देखो, कॉस्ट मैनेज करने के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। अगर मैं उन प्रिंसिपल्स से ज्यादा कुछ कर लेता हूं ना, तो वहां मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। वो प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स आप भी ध्यान में रख लो कि जो भी वीडियो आप बना रहे हो, सबसे पहले सोशल मीडिया और मिड जर्नी पे उसका रिसर्च करो, जो मुझे विजुअल्स दिखाने हैं उसका। अब वो कैसे करेंगे, जैसे किसी का एडिटिंग स्टाइल है वो आपको पसंद आ रहा है, तो यार अगर आपको पता है ना कि उस बंदे ने वैसा बनाया है मुझे वैसा ही बनाना है, तो आपका टाइम कम लगेगा और कॉस्ट भी आपका उसमें कम लगेगा, क्योंकि फिर आप वही बनाओगे, एक्सपेरिमेंट करने में अपने क्रेडिट्स वेस्ट नहीं करोगे। अब मिडजर्नी के जरिए कैसे रिसर्च कर सकते हैं, तो आप सीधा मिडजर्नी पे जाइए, एक्सप्लोर के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, और आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि लास्ट मंथ कौन से ट्रेंडिंग थे डिजाइंस, तो वहां मुझे अच्छे और बेहतर वाइड आइडियाज मिल जाते हैं कि मुझे अपने एडिट्स में कैसे कंपोजिशंस का इस्तेमाल करना है जो मैं AI टूल्स की मदद से बना सकता हूँ। अगर मुझे मान लो मिड जर्नी में कोई डिजाइन पसंद आता है कि मुझे लगता है कि यार हाँ यार इसका मैं कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, तो मैं उसका प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ जो कि मुझे मिड जर्नी प्रोवाइड कर देता है। तो वहां मुझे पहले ही पता चल जाता है कि ये मुझे बनाना है, ऐसे बनाना है, और यही मुझे रिजल्ट मिलेगा, उसके आसपास का रिजल्ट मिलेगा, शायद एक्यूरेट ना मिले, तो वहां मेरे कम क्रेडिट्स लगते हैं। अपने कंटेंट को प्लान करना और कैलकुलेट करना कि AI में उसका कितना नीड रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में ऑब्वियसली AI का शायद ज्यादा यूज होगा, और ये मुझे पता है, शायद हर वीडियो में AI का बहुत ज्यादा यूज मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ वीडियोस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जब आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हो। और आपको ये भी पता है कि एडिटिंग में एक प्रोसेस होती है स्टोरी बोर्डिंग, कि इस सीन के बाद अगला सीन क्या आएगा, उसका प्लान आप पहले ही सोच के रखो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो वो आपको बहुत मदद करता है आगे जाके। आप नहीं चाहोगे कि टेस्टिंग करने में ही मेरे सारे क्रेडिट्स वेस्ट हो जाएं। और ये चीज कैसे कैलकुलेट करें कि उसमें AI की नीड कितनी रहेगी, उसका मैंने अपना ही एक थ्योरी बनाई हुई है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं, और हम जानते हैं कि आज एथलीट्स जो हैं वो वर्कलोड मैनेजमेंट को कितना मानते हैं, जिसको जितना ज्यादा वर्कलोड उसका उतना ज्यादा रेस्ट मिला जाता है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से रनवे ML पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है 50% के आसपास, और दूसरा सबसे बड़ा वर्कलोड है मिड जर्नी का। तो अगर मान लो रनवे ML के इस्तेमाल से मेरे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, और 2 बार खत्म हो जाते हैं, और 2 बार मुझे टॉप अप डलवाना पड़ता है क्रेडिट्स का, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, रेस्ट करो, छोड़ दो, वो आइडिया ही ड्रॉप करो, क्योंकि आपके इतने क्रेडिट्स ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, आप नहीं चाहोगे कि यार और हो जाए, क्योंकि आपका प्लान क्लियर नहीं है, तो उसका नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। अब ऐसे में दूसरे बॉलर के पास में चले जाता हूँ,
मिडजर्नी के पास, तो जहाँ मुझे कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है और थोड़ी बहुत वो वीडियो भी कर लेता है, तो वहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने दूसरे बॉलर के साथ, क्योंकि मेरा पहले बॉलर का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। यहीं हमारा तीसरा फैक्टर भी आता है, दो AI टूल्स का एक वक्त पे इस्तेमाल करो, ज्यादा नहीं। देखो यार, मेरी तो मजबूरी है कि मुझे हर AI टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है नए फीचर्स को टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप जोड़ी बना लो। मैं जैसे मेरी जोड़ी सेट है, रनवे ML और मिडजर्नी मेरी जोड़ी है, दो फास्ट बॉलर्स हैं, मैं उन्हीं का इस्तेमाल रोटेशन में करता रहता हूँ। तीसरे पे बहुत ड्रास्टिक चेंज हो करना हो मुझे तभी जाता हूँ, वरना उसकी क्रेडिट संभाल के रखे रहते हैं। अगर कोई नया फीचर आया तो मैं टेस्ट कर लूंगा। वैसे जो मेन काम होता है इन दो का होता है, तो कोशिश करो कि दो दो की जोड़ी बना लो। अब तुम कहोगे कि यार मुझे एडिटिंग के अलावा क्लाउड भी चाहिए, ChatGPT भी लगता है। तो अगर तुम्हारे पास एयरटेल सिम है, तो एयरटेल ने अभी एक स्कीम निकाली थी, Perplexity, वहां पर फ्री मिल जाता है आपको 12 महीनों के लिए। तो मैंने अभी वो लेके रखा हुआ है, क्योंकि आप Perplexity के अंदर मॉडल भी चूज कर सकते हो कि आपको GPT यूज करना है, क्लाउड यूज करना है या Gemini यूज करना है। तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, तीनों मॉडल उसमें मिल रहे हैं, एक तो तुम्हें मजे करो। फिर आता है हमारा पांचवा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, प्रॉम्प्ट ही सारा खेल है। अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं लिखोगे तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेंगे तो आप ज्यादा खर्च करोगे अपने क्रेडिट, ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्यूरेट प्रॉम्प्ट हर बार लिखना है मैन्युअली, यार AI टूल्स हैं तो उसका स्मार्टली यूज कर लो, कि आप AI से लिखवा लो, आप अपना आइडिया बताओ AI को कि मेरा ये आइडिया है और मुझे इसमें प्रॉम्प्ट लिख के दे, तो वो लिख देगा यार, मना थोड़ी ना करेगा, और वो प्रॉम्प्ट ले जाके आप यूज करो, हो सकता है कि उससे ज्यादा आपको अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। अगर उससे भी नहीं मिल रहे हैं तो आप उसी प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ ऐसे एडिट्स कर लो, कुछ ऐसे चेंजेस कर लो, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स के आसपास मिल जाएं। तो परफेक्ट प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू लेस क्रेडिट्स। और छठा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हर कोई नजरअंदाज करता है, कोई भी AI टूल हो उसका क्रेडिट सिस्टम हमेशा चेक कर लेना कि वो किस हिसाब से क्रेडिट चार्ज कर रहा है। अब जैसे रनवे ML का क्रेडिट सिस्टम ये कहता है कि Gen 4 के इस्तेमाल से अगर आप 5 सेकंड की वीडियो बनाओगे तो 60 क्रेडिट खर्च होंगे आपके, तो ऐसे ही हर AI टूल का क्रेडिट सिस्टम होता है, जिससे आपको और अंदाजा मिलेगा कि आपको कितना और ज्यादा पुश करना है। अगर इन सब के बावजूद भी एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, 2 अनमोल रतन ये रहे मेरे सामने, दोनों में से किसी को फटाफट क्लिक कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बी।